26 जून 1975 ऐसा दिन जिसे भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा जाता है। इस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। कहा जाता है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था, लेकिन एक आवाज ऐसी भी थी जो इंदिरा के मुखर होकर बोलती थी, जिनका नाम फली एस नरीमन था, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे और कांग्रेस के करीबी माने जाते थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं। फली एस नरीमन 95 साल के थे। वो नागरिक स्वतंत्रता के बड़े पक्षधर में से एक थे। उन्होंने हमेशा ही पब्लिक लिबर्टी की वकालत की। रिपोर्ट्स की माने तो फली एस नरीमन का जन्म 10 जनवरी 1929 को म्यांमार में एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। जब वे न्यूनतम योग्यता आयु से 38 साल कम थे, तब उन्होंने हाई कोर्ट का जज बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। वो कितने प्रतिभावान थे, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होने के मात्र 11 साल बाद ही उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का पद दे दिया गया था। संवैधानिक मामलों के जानकार होने के साथ ही नरीमन को नागरिकों की स्वतंत्रता के पैरोकार के रूप में भी जाना गया। साल 1972 में वो मुंबई से नई दिल्ली आए और सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। इसके साथ ही 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। नरीमन को पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत देश के कुछ सर्वोच्च सम्मान मिले थे। CGI से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। बता दें, राम जेठमलानी और फली एस नरीमन के दो ऐसे नाम हैं जिनको कई दशकों का वकालत का अनुभव रहा है। फली एस नरीमन ने वकील के तौर पर करियर की शुरुआत नवंबर 1950 में की थी। फली सैम नरीमन ऐसे बड़े वकील थे कि उनका डंका देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस तक बोलता था। 1999 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया, लेकिन फली सैम नरीमन की सबसे बड़ी खासियत रही विद्रोही स्वभाव। किस्सा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल का है। 1972 में उन्हें भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। इंदिरा ने जब इमरजेंसी की घोषणा की तो ठीक एक दिन बाद ही इस फैसले से नाखुशी जताते हुए फली नरीमन ने इस्तीफा सौंप दिया था। ऐसा ही एक मौका 1999 में आया। फली सैम नरीमन नर्मदा मामले में गुजरात सरकार के वकील थे। उन्हें पता चला कि गुजरात में ईसाइयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए गुजरात की तरफ से केस लड़ने से मना कर दिया था। फली एस नरीमन को भारतीय न्यायपालिका और देश के जजों पर अटूट भरोसा था। उनका कहना था कि उनका देश के जजों पर भरोसा है, फिर चाहे उनकी नियुक्ति का तरीका कुछ भी क्यों ना हो। फली एस नरीमन ने कई मामलों में अपनी छाप छोड़ी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के मामले में भी वो चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन मामले में भी उपस्थित हुए, जो कोलिजियम प्रणाली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर भी काम किया। उनका एक किस्सा हॉर्स ट्रेडिंग वाला काफी मशहूर है। दरअसल देश में हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला नया नहीं है। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक में इस समस्या ने देश को कुछ इस तरह जकड़ा था कि इसको लेकर संविधान में संशोधन कर खास संवैधानिक प्रावधान करने पड़े थे। सांसदों और विधायकों को धनबल के जरिए अपने पक्ष में करने का हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। फली एस नरीमन ने इस शब्दावली पर जबरदस्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इंसानों की गलती के लिए हॉर्स ट्रेडिंग मुहावरे का इस्तेमाल करना घोड़ों का अपमान है। घोड़े बहुत ही वफादार जानवर होते हैं। उनका यह किस्सा काफी मशहूर है। इतना ही नहीं, उनकी आत्मकथा बिफोर मेमोरी फेड्स एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, विशेष रूप से कानून के छात्रों और युवा वकीलों के बीच, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है। द स्टेट ऑफ नेशन, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनकी अन्य लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार शुभकांत ने। स्टोरी पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।